फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम इस ट्रायंगल पिरामिड क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इस क्यूब को सॉल्व करना सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। अब हम बताएंगे कि एक फेस में कौन से पीस कॉर्नर होते हैं, कौन से मिडिल और कौन से एज। तो कॉर्नर पीस, ये जो कॉर्नर्स में हैं इन्हें हम कॉर्नर पीस कहेंगे। इनके पास 3 कलर होते हैं, ये इस तरह से। अब हम देखते हैं एज पीस। तो एज पीस, ये 3 पीस होते हैं एक फेस में जिनके 2 कलर्स होते हैं, ये। और अब हम देखेंगे मिडिल पीस। मिडिल पीस 1, 2, 3, ये 3 जो पीस होते हैं ये मिडिल पीस कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही रंग होता है और ये मिडिल में होते हैं। अब हम फॉर्मूले के लिए कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे ये जो राइट में हमारे पास जो ट्रायंगल है, इसे हम आर कहेंगे। जब हम इसे ट्रायंगल को ऊपर ले जाएंगे, हम इसे आर कहेंगे। और जब हम इस राइट वाले ट्रायंगल को नीचे ले जाएंगे, तब हम इसे आर आई कहेंगे। इसी तरह जब हम हमारे लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, तो हम इसे एल कहेंगे। और जब हम इसे नीचे लाएंगे, तब हम इसे एल आई कहेंगे। तो अप साइड के साथ भी ऐसा ही है। जो हमारा ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये अप कहलाता है। और जब हम इसे राइट में घुमाते हैं इस तरह से, तब ये यू कहलाता है। और जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इस तरह से, तब ये यू आई कहलाता है। अब हमने हमारे क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया है। तो ये जो पिरामिड क्यूब है, ये ज़्यादा स्क्रैम्बल नहीं होता है, क्योंकि इसके 4 ही फेस होते हैं और इसमें ज़्यादा मुंह भी नहीं होता। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हम किस तरह से पहले फेस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, हम पहचानेंगे कि कौन से फेस पर कौन सा कलर जमेगा। तो हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड है। अब हमें देखना है कि इस साइड पर रेड कलर है या नहीं। तो यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर रेड है या नहीं, अब ये देखेंगे। तो यहाँ पर रेड नहीं है, मतलब इस फेस पर रेड कलर नहीं बन पाएगा। अब हम दूसरी साइड देखते हैं। अब हम जैसे ये वाली साइड देखते हैं, इस पे देखते हैं रेड कलर तीनों साइड पे आता है या नहीं। इस फेस पर, इस साइड पर आ रहा है, इस साइड पर भी आ रहा है। अब इस साइड पर देखेंगे, यहाँ पर भी आ रहा है। अगर तीनों कॉर्नर में सेम कलर मिल रहे हैं, मतलब इस फेस पर रेड कलर बनने वाला है। अब इस फेस पर ब्लू बनने वाला है, क्योंकि इधर भी तीनों कलर ब्लू के मिल रहे हैं, यहाँ पर येलो और यहाँ पर ग्रीन। तो अब हम रेड के जैसे देख रहे हैं। सबसे पहले हमें मिडिल पीस को उनकी जगह पर लाना होगा। मिडिल पीस हमारे पास है ये, तो इन्हें ये तो ऑलरेडी जमा हुआ है। अब इन दोनों को लगाने के लिए, जैसे हम पहले इसे लगाते हैं, तो हमें यू करते जाना है जब तक रेड पीस यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर रेड पीस आ गया है, तो अब हम कॉर्नर पीस को भी जमा देंगे फिर से। यहाँ पर हमें एल करते जाएंगे, यहाँ पर आ चुका है रेड पीस, कॉर्नर को जमा देंगे। यहाँ पर हमारे मिडिल पीस जम गए हैं। अब जैसे हम, अब हमें एज कॉर्नर जमाने होंगे, तो हमारा एक फेस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम ये वाला कॉर्नर जमाते हैं, ये वाला एज पीस जमाते हैं। तो यहाँ पर लगेगा रेड कलर और ग्रीन। मैं ये इन दोनों के कलर को देखकर बता रहा हूँ। तो हमारे पास रेड और ग्रीन कलर वाला पीस यहाँ पर हमें ये रहा, तो हमें इसे यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पीस है ये राइट में आ रहा है। जब हम इसे बॉटम में रखते हैं, तब ये वाला पीस राइट में आ रहा है। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, यू आई आर यू आर आई, जिससे हमारा ये पीस यहाँ पर सही जगह पर जम जाएगा। अब हम अगली पीस पे जाते हैं, रेड और ब्लू। यहाँ पर भी हम पीस ढूंढेंगे रेड और ब्लू वाला, जो यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इस, हमें ये वाला पीस यहाँ पर लगाना है, तो हम इसे इसके ऊपर ले आते हैं इस तरह से, ये पास में आ जाएंगे। अब हम इसे बॉटम पर रखेंगे, तो ये राइट में आ रहा है। फिर से हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यू आई आर यू
आ रही, यहाँ पर हमारा ये पीस भी जम गया है। अब बात करते हैं इस पीस की, तो यहाँ पर लगेगा रेड और येल्लो, ये पीस सही जमा हुआ है, पर इसी पीस को हमें एक्सचेंज करके लगाना होगा ताकि हमारा एक फेस जम जाए। तो सबसे पहले हम इसे ऊपर कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये फिर से राइट में आ रहा है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, यू आई आर यू आर आई, और यहाँ पर हमारा एक फेस जम गया है। इन द केस अगर हम देखते हैं कि जब हम इसे बॉटम पर लाएं और ये वाला पीस हमारे लेफ्ट हैंड में हो, लेफ्ट साइड में हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम लगाएंगे यू एल यू आई एल आई, तो हमारा एक फेस जम जाएगा और उसी के साथ हमारी फर्स्ट लेयर भी जम जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर को जमाने से पहले हम थर्ड लेयर के कॉर्नर को आसानी से जमा सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट लेयर येल्लो है तो यहाँ पर कॉर्नर पीस भी येल्लो ही लगेगा इस तरह से ये। अब हम बात करते हैं हमारे एक बचे हुए मिडिल पीस की, तो यहाँ पर येल्लो है फर्स्ट लेयर में, तो यहाँ पर भी येल्लो ही आएगा। तो हम येल्लो देखते हैं, ये ग्रीन है, ये येल्लो आ गया है, मतलब ये सही जमा है। हम कॉर्नर पीस को फिर से जमा लेते हैं, तो ये हमारे सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब बचे हैं हमारे सिर्फ ये दो पीस। ये पहली सिचुएशन है जहाँ पर हमारे दो पीस एक्सचेंज होते हैं जो उनकी सही पोजीशन पर रहते हैं, पर उनके कलर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पर ब्लू और येलो है और उनके कलर एक्सचेंज हो चुके हैं, तो इस सिचुएशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमें इसे इस तरह से रखना होगा, फॉर्मूला लगेगा एल आई आर आई एल आई आर एल यू एल यू एल आई, और इस तरह से यहाँ पर हमारा पिरामिड क्यूब सॉल्व हो जाए। अभी हमारी सेकंड सिचुएशन है जिसमें हमारा एक फेस कंप्लीट होता है, फर्स्ट लेयर भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन बात आती है एज पीस की, जहाँ पर तीनों एज पीस एक दूसरे से अदला बदली रहते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो पीस है हमारे पास येल्लो ब्लू, ये कहाँ पर लगेगा? ये लगेगा यहाँ पर, ये जो पीस है ये लगेगा यहाँ पर, ये जो पीस है ये लगेगा यहाँ पर, यानी सारे पीस इस तरह से एक्सचेंज होंगे। तो हम अब हम इसे इस तरह से घुमाएंगे ताकि हमारा ये क्यूब जम जाए। तो अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है यू आर यू आर आई यू आर यू आर आई यू यू। हम इसे तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा क्यूब सॉल्व नहीं हो जाए। अब ये है हमारी तीसरी सिचुएशन जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे ये जो पीस है ये है येल्लो और ब्लू, तो येल्लो ब्लू पीस लगेगा यहाँ पर, रेड और ब्लू लगेगा यहाँ पर, और रेड और येल्लो लगेगा यहाँ पर, यानी इन सबको ऐसे एक्सचेंज करना है। तो हम इसे इस तरह से घुमाएंगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला है एल यू आई एल आई यू आई एल यू आई एल आई। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पिरामिड क्यूब सॉल्व हो चुका है। अगर आप को अभी भी कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, फिर भी अगर आपको कुछ परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।